गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मेघा और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी बज चुके सुबह के 7:30 हो चुके हैं और पाही तो सो रही है, तो मैं आ गई हूं किचन में ब्रेकफास्ट बनाने। तो चलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। आज हम लोग जल्दी जल्दी से अपने काम करके फ्री होना चाहते हैं, क्योंकि आज मेरा अपॉइंटमेंट डेंटिस्ट से है। डेंटिस्ट के पास मुझे जाना है, क्योंकि कुछ थोड़े से लंबे टाइम से मेरे और मेरे हस्बैंड के दांतों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मेरे हस्बैंड को भी दांतों में प्लाक जम रहा है बहुत ज़्यादा, और मुझे भी, तो बस उसी के लिए हमें डॉक्टर से मिलना है, डेंटिस्ट के पास जाना है। तो जैसे जल्दी काम निपटा के फ्री हो जाती हूँ और फिर मिलेंगे आगे हम, जो आगे का जो भी आज मेरा दिन पूरा होने वाला है, तो उसमें मेरे साथ बने रहिए। इस ब्लॉग में आपको खुद पता चल जाएगा कि डॉक्टर हमें क्या सजेस्ट करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे दांतों में आ रही हैं। तो बस इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। तो यहाँ पर मैं रवे को रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज उपमा बनाना है। यहाँ पर ये मसाले फ्राई हो रहे हैं, और फ्रिज की जो आइस ट्रे होती है इसमें मैंने क्या किया ना, मेरे पास बहुत सारे नींबू रखे हुए थे, तो मैंने उसको, उसका जूस निकाल करके इसमें जमा दिया है। और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे पास नींबू ना भी हो तो मुझे टेंशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं एक आइस क्यूब निकालती हूँ, ये मतलब नींबू का जूस और आइस क्यूब, और मुझे जो भी बनाना होता है उसमें मैं डाल देती हूँ। जैसे मैं अभी उपमा बना रही हूँ, तो बस ये आइस क्यूब मैं इसमें से एक निकालूँगी। देखिए, आप देख सकते हो ये बहुत ही ईजिली ऐसे निकल सा जाता है, ये निकल गया है। और यहाँ पर बन रहा है मेरा उपमा, उपमे में एक आइसक्रीम डाल दूँगी। तो इस तरह इसमें हमें नींबू का सारा फ्लेवर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरा गर्मा गर्म उपमा बन के बिल्कुल रेडी है। इसको करेंगे हरे धनिए से गार्निश, और बस पाही को उठा के उसे 15-20 मिनट में फ्रेश करवाऊँगी, फिर मैं नाश्ता गर्म करके इन लोगों को सर्व करूँगी। पाही, क्या खा रहे हो? पाही, क्या खा रहे हो? व्हील्स, इतने सारे व्हील्स। पाही, मम्मा को दोगे? मम्मा भी। और पापा को भी दोगे? He will be holding a tip which will just suck up the water. At any point of time you feel any uneasiness or anything, just raise your hand. Don't touch my hand. दोस्तों, मेरे दांतों में थोड़ा सा सामने के दांत में कैविटी हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि कहीं पेन शुरू ना हो जाए। तो मैंने यहीं पुणे में एक डेंटिस्ट को कंसल्ट किया, उनसे सारी चीज़ें समझी कि मुझे इस दांत का क्या करना है, कैसे मुझे ट्रीट करना है इस दांत को। तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझा दी। फिर मैंने अपने तित का रूट कनाल करवाया था, और ये सब प्रोसेस इतनी आसान नहीं थी। इन सारी ही प्रोसेस में मुझे 1 से 1.5 महीने पूरे लग गए। बीच में थोड़ी सी तकलीफ भी हुई थी, लेकिन मेरे डॉक्टर बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को टेकल किया और मुझे किसी भी तकलीफ़ में फंसने नहीं दिया। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मुझे कैप जो है मेरे दांत का, वो बहुत अच्छे से सेट कर दिया। वो लग रहा है फुला फुला। जैसे सेंसेशन नहीं है, मुझे भारी लग रहा है। मम्मा डॉक्टर। हाँ, मम्मा डॉक्टर के पास जा रही है। पाही डॉक्टर। पाही भी डॉक्टर के पास जा रही है। पापा डॉक्टर। हाँ, हम तीनों डॉक्टर के पास जा रहे हैं। Hey guys. Yes, दोस्तों, मेरा डेंटिस्ट के पास, मेरा दोस्त डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। आगे का वीडियो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। चलिए मिलते हैं फिर। टारगेट की पेशेंट मेरा कुछ ज्यादा ही है, लेकिन यहाँ पे मेरे तीस का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे फाइनल लुक, ये देखिए, ये वाला तीस है, और ये है मेरी मैम, जिन्होंने पूरा मेरी स्माइल को बहुत अच्छा बना दिया है वापस से। पहले ये पूरा रोटेटेड था, अभी अच्छी तरीके से फिक्स हो गया। देखिए ये तिथि,
तो मैं इस वीडियो के थ्रू मैम को थैंक्स बोलना चाहती हूँ. थैंक यू मैम. आई एम वेरी हैप्पी. और आपको भी मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए. इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए. थैंक यू.